पूरे विश्व में उज्जैन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर चुरियासी महादेव है। उज्जैन एक धार्मिक और पौराणिक नगरी है जिसके चारों दिशा में शिवलिंग नगर की रक्षा के लिए विराजे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं उज्जैन से 22 किलोमीटर दूर ग्राम अम्बोदिया में स्थित बिल्केश्वर महादेव के दर्शन के लिए। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए एक कल्पवृक्ष की उत्पत्ति की। इस कल्पवृक्ष के नीचे एक बिल्व का पेड़ भी था जिसके नीचे एक कांतिमान पुरुष प्राप्त हुआ जो सभी अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उसे बिल्व का नाम दिया। कुछ समय पश्चात इंद्र जी ने बिल्व जी से आग्रह किया कि वह पृथ्वी पर राज करे, परंतु बिल्व ने एक शर्त रखी कि उसे वज्र मिलेगा तभी वह पृथ्वी पर राज करेंगे। इस पर इंद्र जी ने बिल्व की इच्छा को जानकर उन्हें वरदान दिया कि जब भी वह वज्र को याद करेगा वह वज्र उसके सामने प्रकट हो जाएगा। पृथ्वी पर राज करते करते उनकी कपिल मुनि से मित्रता हो गई। एक बार कपिल मुनि और बिल्व में धर्म की बात पर विवाद हो गया और विवाद युद्ध तक पहुंच गया। युद्ध के दौरान बिल्व ने गुस्से में आकर कपिल मुनि पर वज्र से प्रहार कर दिया और कपिल मुनि ने प्राण त्याग दिए, परंतु कपिल मुनि ब्रह्म विद्या के द्वारा फिर से शरीर धारण कर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे वरदान मांगा कि उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। उसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ और कपिल मुनि पर वज्र का असर नहीं हुआ। फिर बिल्व जी ने विष्णु जी की तपस्या कर उनके पास गए और भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि कपिल मुनि उनसे डर जाए। भगवान विष्णु ने बिल्व को वरदान दिया और कपिल मुनि के पास जाकर कहा कि बिल्व से बोलो कि आप उनसे डर गए हो, परंतु कपिल मुनि ने विष्णु जी की बात नहीं मानी। इस पर कपिल मुनि और भगवान विष्णु में युद्ध हो गया जिसको ब्रह्मा जी ने बीज बचाव कर खत्म किया। जब भगवान विष्णु का वरदान फलीभूत नहीं हुआ तो बिल्व जी इंद्र जी के पास गए। तब इंद्र जी ने बोला कि आप महाकाल वन में पश्चिम दिशा में शिवलिंग की पूजा अर्चना कीजिए। इंद्र जी के कहने पर बिल्व जी ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की जिससे कपिल मुनि और उनमें मित्रता हो गई। जब कपिल मुनि ने महाकाल वन में बिल्व जी को उपासना करते हुए देखा तो बिल्व जी में शिव जी के दर्शन हुए। तब से इस शिवलिंग को बिल्केश्वर नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त इस शिवलिंग पर बिल्व पत्र के साथ पूजा पाठ करता है उसे दिग्विजय का आशीर्वाद भगवान महाकाल से मिलता है। आइए अब हम बिल्केश्वर महादेव का इतिहास गुरुजी से जानते हैं। जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा ग्राम बड़वई से हूँ। बिल्केश्वर महादेव में अपन आज बैठे हैं। स्कंद पुराण का उल्लेख है कि अवंतिका क्षेत्र के जो 84 महादेव हुए उसमें से 83वां नंबर यहाँ का है। यहाँ पर महाकाल वन में पंचकोशी का तीसरा पड़ाव रहता है और राजा भर्तरी की जो गुफा है वहाँ से एक सीधा रास्ता यहाँ पर भी बना हुआ है जो गंभीर नदी के अंदर है। अपन आप बैठे हैं, देखिए यहाँ पर क्या एक गंगा तट भी बनता है। पुराने लोगों ने कहा है, बोले जहाँ जल आपका पूर्व तरफ से होकर के उत्तर में जाए वहां गंगा तट होता है और अक्सर शिव मंदिर वहीं पर होते हैं, तो अपने लिए ये गंभीर गंगा के स्वरूप ही है। अब बिल्केश्वर महादेव का पुराण के अंदर अनेक उल्लेख हैं, मगर यहाँ की कथा का जो माध्यम है वो बताया गया कि एक बिल्व नाम का गंधर्व था, वो संसार का राजा था। फिर कुछ समय पश्चात गंधर्वों के ऊपर चढ़ाई कर दी यक्षों ने और उनको हरा दिया। युद्ध में वह हार गया। हारने के बाद फिर वह अकेला बचा तो उसने देखा महाकाल वन क्षेत्र में तो बिल्केश्वर महादेव की, उन्होंने एक वर्ष तक तपस्या करी। नित्य प्रतिदिन बिलपत्र अर्पण करते हैं, भगवान का सहज से अभिषेक करते हैं और भगवान की कृपा से एक वर्ष के बाद पुनः उन्हें राज्य की प्राप्ति हो गई। और यह स्कंद पुराण के अंदर उल्लेख बनाया गया है। बिल्केश्वर महादेव का पूजन अर्चन अभिषेक करें और सहज से आप अभिषेक करें तो भगवान की कृपा से आपको जो पद चाहिए वो पद अवश्य मिलता है, अगर यदि आपके भाग्य में होते हैं, ऐसा बिल्केश्वर महादेव का उल्लेख है। जय श्री महादेव।